हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 1 से 3 कनेक्शन क्या होता है, जो 5 ब्लेड वाले फर्राटा फैन में, 2 ब्लेड वाले फर्राटा फैन में, यानी कि सिंगल फेस वाले किसी भी मोटर में 1 से 3 का ही कनेक्शन चलता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम कॉइल बनाते हैं रनिंग का, जैसे कि फर्राटा फैन के 5 ब्लेड वाले में 4 रनिंग के डलते हैं और 4 ही स्टार्टिंग के डलते हैं। तो अभी हम इस तरह से कॉइल बना लेते हैं। सभी कॉइलों में से 2-2 तारें निकल रही हैं, तो रनिंग का टोटल हो जाएगा 8 वायर। ये देखिए, अब दूसरा स्टार्टिंग का बना लेते हैं। गाइस, स्टार्टिंग में भी 4 ही कॉइल डलती हैं, जिसमें से टोटल हमें 8 सिरे मिलते हैं। एक कॉइल से 2 सिरे मिलते हैं, एक स्टार्ट और एक इंड का होता है, यानी एक इनर होता है, एक आउटर होता है। लेफ्ट साइड इनर होता है और राइट साइड का आउटर होता है। ये देखिए, बन के कम्प्लीट हो गया है। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो गाइस, हम कॉइल का नंबर डाल लेते हैं, 1, 2 और एक तीसरी और एक चौथी कॉइल हो गई। तो गाइस, 1 से 3 का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले वाले लेग को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी ये हमारा रनिंग कॉइल का पहला पॉइंट बन गया है। अब यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, मतलब 1 से 3, यानी पहला जो हम उठा रहे हैं और जहाँ जोड़ेंगे ले जाके, वो तीसरे पॉइंट पर जोड़ना चाहिए। यहाँ से उठाया और दूसरा और ये तीसरा, यानी तीसरे पे जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं 1 से 3। अब देखिए, बीच में एक बच गया है, यानी इनर बच गया। अब इसको उठा के हम तीसरे वाले कॉइल के इनर से जोड़ देंगे, ये भी 1 से 3 हो गया, क्योंकि देखिए इसका पॉइंट जहाँ से उठाया हमने, वहाँ से तीसरे पे जोड़ दिया। अब इधर के सारे जुड़ गए हैं, अब सिर्फ हमने 3 तार बचे हुए हैं। फिर क्या करेंगे, हम वहाँ से उठाएंगे और तीसरे पे ले जाके जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, अब ये इस तरह से 1 से 3 का कनेक्शन हो गया। अब ये जो एक वायर बच गया है, ये रनिंग वाले कॉइल का दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पहला पॉइंट हमें लेफ्ट साइड मिला और दूसरा पॉइंट राइट साइड मिल गया। अब इसमें नंबर डाल लेते हैं, 2 नंबर। अब सेम ही ऐसे हम स्टार्टिंग का भी करेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग का जो पहला वाला लेग है, इसको बाहर निकाल लेते हैं पहला पॉइंट। अब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। ये देखिए, पहले से उठाया और तीसरे पे जॉइंट कर दिया इस तरह से। ये देखिए, दूसरे कॉइल से उठाया और तीसरे पे हमने जॉइंट कर दिया, तीसरे वाले के इनर से। अब तीसरे का आउटर बच रहा है, अब तीसरे का आउटर उठाएंगे और चौथे कॉइल के आउटर से जोड़ देंगे, यानी 1 से 3 में जोड़ देंगे। अब इसमें भी लास्ट में हमें एक पॉइंट मिल गया है, यानी एक तार बचा हुआ है। अब इस तार को भी हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के भी टोटल 2 तार बाहर आ गए और रनिंग के भी 2 तार बाहर आ गए। अब क्या करना, हमें रनिंग का एक तार और स्टार्टिंग का एक तार, यानी जिसके जो 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, एक तार रनिंग का और एक तार स्टार्टिंग का। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो तार हम बाहर निकाल लेंगे गाइस, ये बन जाएगा हमारा कॉमन वायर। ये जो हमने रनिंग और स्टार्टिंग को लेके एक में मिलाया है, ये कॉमन वायर बन जाएगा। ये देखिए, ये रनिंग का हो गया और ये स्टार्टिंग का हो गया, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया और ये कॉमन वायर बन गया। ये देखिए, हम लिख देते हैं कॉमन वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें 3 तार टोटल मिलने चाहिए। ये देखिए, 1, 2, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 3 तार बाहर आ गए हमारे। हम कैपेसिटर बना लेते हैं। गाइस, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताएंगे, रिपेयरिंग से लेकर फ़ैन रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम पावर का एक पॉइंट बना लेते हैं। ये बन गया हमारा पावर का पॉइंट। ये देखिए, अब क्या करते हैं गाइस, ये जो 1 नंबर है, 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर को, यानी कॉमन वायर को, हम डायरेक्ट पावर में जोड़ देंगे। जिस जो हमने रनिंग स्टार्टिंग मिला करके कॉमन बनाया था, वो पावर में चला जाएगा। और स्टार्टिंग का ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर इस पर लिखा है, स्टार्टिंग का दूसरा वाला लेग है, तो इस लेग को हम उठा करके कैपेसिटर में डाल देंगे। और ये रनिंग का जो 1 लेग बच गया, इसको भी हम उठा के कैपेसिटर में डाल देंगे इस तरह से। अब ये कनेक्शन हमारा लगभग सर्किट कंप्लीट हो गया है। अभी एक पावर देना बाकी रह गया, यानी पावर का अभी हमने फेस दिया है, अब न्यूट्रल देना बाकी रह गया है। ये देखिए, ये रनिंग का हो गया, इसमें कैपेसिटर में डल गया जा करके। और ये यहाँ से अब एक तार हम निकालेंगे और इसके पावर के दूसरे वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे, यानी न्यूट्रल यहाँ से दे दिया हमने। अब ये हमारा सर्किट कम्प्लीट हो गया, ये टोटल सर्किट कम्प्लीट हो गया है। ये हमने रनिंग का दूसरा वाला पॉइंट ला करके कैपेसिटर के थ्रू
जोड़ते हुए पावर में दे दिया है। गैस अगर हमें पंखे की चाल बदलनी है तो ये जो स्टार्टिंग वाला जो जिसमें जुड़ा हुआ है इसको ला करके हम पावर पे अगर जोड़ देंगे तो ये पंखा दूसरी तरफ चलने लग जाएगा, यानी उल्टा चलने लग जाएगा। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।